एडीएम फाइनेंस व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जनपद के सभी एसडीएम के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बीएलओ द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्य में रुचि नहीं लिया जा रहा है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्य के लिए अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी बीएलओ को निर्देशित किया जाता है कि सत्यापन के दौरान प्राप्त परिवर्धन, संशोधन एवं अब मार्जिन फार्म के निस्तारण के बाद वार्ड बार मतदान स्थल तैयार की गई परिवर्धन, संशोधन एवं अपमार्जन की सूची 20 अक्टूबर को अनिवार्य रूप से एसडीएम के कार्यालय में जमा करा दें, नहीं तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, जिसके लिए बीएलओ व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी एसडीएम साहबान, सभी तहसीलदार साहबान, सभी ईओ साहबान की बैठक आमंत्रित की गई है। इसमें नगर निगम के अधिकारीगण भी उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल 20 अक्टूबर है, लास्ट डेट है। कल तक आपको सभी बीएलओ को अपनी अपनी पांडुलिपियाँ बना करके जमा कर देनी है। जैसा कि नियम है, अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषित भी किया है कि 31 अक्टूबर तक हमें ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली पब्लिश कर देनी है और 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच इसमें आपको दावे और आपत्तियां लेनी है। तो मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, अगर कोई बीएलओ कार्य नहीं कर रहा है तो आप उस बीएलओ के विरुद्ध, अगर वो कल पांडुलिपि नहीं जमा करता है, काम नहीं कर रहा है, तो उस बीएलओ के विरुद्ध आप एफआईआर करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।